हेलो एवरीवन, मेरा नाम संदीप सिंह राव है और ये जो लेक्चर है वो सेल के बारे में है। अगर हम किसी कोर्स का को सामान्य तौर पे परिभाषित करें तो उसे हम इस तरह से कह सकते हैं कि कोई भी जलीय माध्यम जो एक झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है कोशिका कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें तो उसके अंदर का जो जलीय माध्यम है उस जलीय माध्यम को हम बोलते हैं जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म, और उस झिल्ली को जो उसको घेरे हुए रहती है प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो ये कहा जाता है कि कोशिका जो है वो जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी जो एक जीव है जिसमें कि जीवन उपस्थित है उसकी संरचना और उसके अंदर होने वाली जो क्रियाएं हैं उनकी सबसे छोटी जो इकाई होती है वो कोशिका होती है। अब आइए इस बात को इस तरह से समझते हैं। देखिए, बहुत सारी कोशिकाएं जब एक साथ मिलती है तो एक ऊतक का निर्माण होता है, और ऊतक जब एक साथ मिलते हैं तो एक अंग का निर्माण होता है, और अंग जब एक साथ मिलते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण होता है, और अंग तंत्र एक साथ मिलके एक शरीर का निर्माण करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पूरे शरीर के निर्माण में जो सबसे छोटी इकाई भाग ले रही है वो क्या है? कोशिका। तो इस पूरे शरीर के निर्माण करने के लिए क्या जरूरी है कि इसमें कोशिकाएं उपस्थित हो, क्योंकि कोशिका ना होती तो ऊतक नहीं बनता, और ऊतक नहीं बनता तो अंग नहीं बनते, और अंग नहीं बनते तो अंग तंत्र का निर्माण नहीं होता, और अंग तंत्र का निर्माण नहीं होता तो पूरे शरीर का निर्माण नहीं होता। तो इस पूरे शरीर की जो संरचना है उसको बनाने का काम किसने किया? कोशिका ने। ठीक है, इसलिए कोशिका जो है वो सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई होती है। किसकी? जीवन की। जीवन की सबसे छोटी बात करते हैं कि ये संरचनात्मक। कोशिका जो है उसको क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? देखिए, ये पूरा शरीर है, इस शरीर का निर्माण कोशिकाओं के एक साथ मिलने से हुआ है। अगर कोशिका एक साथ नहीं मिलती तो ऊतक का निर्माण नहीं होता, और ऊतक का निर्माण नहीं होता तो अंग का निर्माण नहीं होता, और अंगों का निर्माण नहीं होता तो अंग तंत्र नहीं बनते, और अंग तंत्र नहीं बनते तो पूरे शरीर का निर्माण नहीं होता। तो यहाँ पे पूरे शरीर की जो संरचना है उसको बनाए रखने का काम कौन कर रही है? कोशिका। और इस पूरे शरीर की क्रिया के लिए या पूरे शरीर के कार्य करने के लिए जरूरी है कि उसमें उपस्थित जो कोशिकाएं हैं वो कार्य करें, और इन कोशिकाओं के कार्य करने के लिए जरूरी ये है कि इन कोशिकाओं के अंदर बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं हो, जैविक क्रियाएं हो। तो रासायनिक क्रियाएं जीव के अंदर होती है तो उसको बोलते हैं जैव रासायनिक क्रियाएं। तो एक कोशिका जो है उसके अंदर जैव रासायनिक क्रियाएं होगी तो एक ऊतक कार्य करेगा, और ऊतक कार्य करेगा तो अंग करेंगे, और अंग करेंगे तो अंग तंत्र करेगा, और अंग तंत्र कार्य करेगा तो शरीर कार्य करेगा। तो इस वजह से पूरे शरीर की संरचना और उसके कार्य करने के लिए जरूरी है कि उसके अंदर उपस्थित जो कोशिकाएं हैं वो कार्य करें। इसी वजह से हम कोशिका जो है उसको जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं, क्योंकि शरीर कार्य करेगा तो हम बोलेंगे कि ये जो शरीर है वो जीवित अवस्था में है, और इसको जीवित अवस्था में बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? कि इसमें जो कोशिकाएं हैं वो कार्य करें और वो संरचना का निर्माण करें। अब हम बात करते हैं कोशिका के प्रकार की। तो मुख्यतः कोशिका दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक शब्द जो है वो दो शब्दों प्रो और कैरियोन से मिलकर बना हुआ होता है। प्रो का मतलब होता है पहले या आदिम, और कैरियोटिक का मतलब होता है कैरियोन यानी कि केंद्रक। यूकैरियोटिक शब्द भी दो शब्दों यू और कैरियोन से मिलकर बना होता है। यू का मतलब होता है सत्य या विकसित, और कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक। तो जिन कोशिकाओं में सत्य केंद्रक अनुपस्थित होता है उन कोशिकाओं को हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, और जिन कोशिकाओं में सत्य केंद्रक उपस्थित होता है उन कोशिकाओं को हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रोकैरियोटिक में जो प्रो और कैरियोटिक वर्ड यूज हुए उसमें प्रो शब्द जो है वो कैसे यूज हुआ? क्योंकि जब इवोल्यूशन हुआ था तो यानी कि उद्विकास हुआ था तो उद्विकास के दौरान सबसे पहले जो पृथ्वी पे कोशिकाएं थी उनमें केंद्रक अनुपस्थित था, और उनमें धीरे धीरे केंद्रक जो है विकसित होना शुरू हुआ,
और अंत में ऐसी कोशिकाएं बनी जिनमें पूरी तरह से विकसित केंद्रक यानी कि सत्य केंद्रक उपस्थित था। तो हम ये कह सकते हैं कि विकास के दौरान यानी कि उद्विकास के दौरान प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से ही यूकैरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सत्य केंद्रक जिन कोशिकाओं में उपस्थित था उन कोशिकाओं से पहले के जितने भी कोशिकाएं थे यानी कि कोशिकाओं में सत्य केंद्रक के उपस्थित होने के पहले के जितने भी कोशिकाएं थी उनको हमने किस कैटेगरी में रखा है? प्रोकैरियोटिक की कैटेगरी में रखा गया है। अरे यूकैरियोटिक यानी कि जिन कोशिकाओं में सत्य केंद्रक है उनको यूकैरियोटिक कोशिकाओं की कैटेगरी में रखा गया है। तो यहाँ पे अगर बात आती है विकास की तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से ही यूकैरियोटिक कोशिकाओं का विकास हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सत्य केंद्रक की। तो एक सत्य केंद्रक क्या होता है? केंद्रक एक संरचना होती है जो कोशिकाओं की प्रोटोप्लाज्म में उपस्थित होती है यानी कि जीव द्रव्य में उपस्थित होती है। अब ये जो केंद्रक है उसको सत्य केंद्रक किस तरह से कह सकते हैं? उसमें ऐसी क्या चीज होती है जिससे उसको सत्य केंद्रक कहा जा सके? तो एक सत्य केंद्रक में मुख्यतः तीन चीजें होनी चाहिए। एक तो केंद्रक जो है वो दोहरी झिल्ली युक्त हो, दूसरा जो है केंद्रक में केंद्रिका उपस्थित हो, और तीसरा जो है केंद्रक के अंदर उपस्थित जो डीएनए है जो कि एक तंतु के रूप में उपस्थित होता है जिसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं, उस क्रोमेटिन के साथ हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होना चाहिए। तो ये तीनों चीजें जिस भी केंद्रक में उपस्थित है उस केंद्रक को हम सत्य केंद्रक कहते हैं। क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो केंद्रक जो है वो दोहरी झिल्ली युक्त हो, ठीक है, उस केंद्रक में एक संरचना जिसको हम बोलते हैं केंद्रिका वो उपस्थित हो, और तीसरा जो डीएनए जो कि क्रोमेटिन के रूप में प्रेजेंट होती है उस क्रोमेटिन के साथ हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित हो। तो ऐसे केंद्रक को हम क्या कहेंगे? सत्य केंद्रक। प्रोकैरियोटिक कोशिका जिन जीवों में उपस्थित होती है उन जीवों को प्रोकैरियोटिक जीव या प्रोकैरियोट्स कहते हैं। इसके उदाहरण है जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया आदि। यूकैरियोटिक कोशिका जिन जीवों में उपस्थित होती है ऐसे जीवों को हम यूकैरियोटिक जीव या यूकैरियोट्स कहते हैं, और इसके उदाहरण हैं प्रोटोजोआ, पादप जंतु, कवक कोशिका आदि। की संख्या के आधार पर जीव दो प्रकार के हो सकते हैं, एककोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। इन जीवों में एक ही कोशिका पूरे शरीर की तरह कार्य करती है, इसका मतलब शरीर में जीवन से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं वो केवल एक ही कोशिका के अंदर संपन्न होती है, क्योंकि एक ही कोशिका जो है वो संपूर्ण शरीर होता है। इसके उदाहरण है सभी प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्टा के जीव। प्रोटिस्टा के जीव जो है वो एक कोश के यूकैरियोट्स होते हैं। दूसरे होते हैं बहुकोशिकीय जीव, इनमें बहुत सारी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं और इसके उदाहरण है पादप जंतु और कवक। कोशिका की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जीव दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होते हैं जीवित जीव या लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनमें कोशिकाएं उपस्थित होते हैं, और दूसरी होती है अजीवित जीव या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनमें कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। जीवित जीवों को विटकर नाम के एक वैज्ञानिक ने पांच जगत में वर्गीकृत किया था। सबसे पहला जगत था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा पादप और पांचवा था जंतु। मोनेरा में सभी एककोश के प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, प्रोटिस्टा में एककोश के यूकैरियोटिक जीवों को रखा है, फंजाई, पादप और जंतुओं में बहुकोश के यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। अजीवित जीवों की बात करें तो इन में कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं और इसके उदाहरण है वायरस, वायरॉइड और प्रियॉन, इनमें कोशिकाओं का अभाव होता है। तो याद रहे वायरस के बारे में अगर कहीं भी पूछा जाता है तो ये अकोशिकीय या अजीवित जीव होता है, इसमें कोशिका अनुपस्थित होती है।